हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर 14th of May 2020। तो 14 मई 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट इफेक्टिवली प्रोहिबिट्स द डेवलपमेंट प्रोडक्शन एक्विजिशन ट्रांसफर रिटेंशन स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स। तीसरा है, इंडिया इज अ पार्टी टू दिस कन्वेंशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। ऑप्शन है 2 only 3 only 1 2 and 3 या none of the above। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो एक करके बता दो। तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है। इसका आंसर होगा 1 2 and 3। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मूव करने से पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ। March 26, 2020 इट मार्क्ड द 45th एनिवर्सरी ऑफ द एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। और ये एक ट्रीटी है जो कि टॉक्सिन वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स को रोकने का काम करती है। इट वॉज ओपेंड फॉर द सिग्नेचर ऑन 10th April 1972। 10 अप्रैल 1972 को ये साइन करने के लिए ओपन हुई थी एंड इट एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 26th March 1975। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। इट इज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी बैनिंग एन एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। एंड ये बैन करती है डेवलप करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, एक्विजिशन करने के लिए बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स को। इंडिया पार्टी टू दिस कन्वेंशन। 183 स्टेट्स हैं और पैलेस्टीन भी इंक्लूडेड है। 4 सिग्नेटरीज हैं, इजिप्ट, हैती, सोमालिया, सीरिया, तंजानिया, ठीक है ना, ये भी इसके अंदर है। देन 10 स्टेट्स हैव नाइदर साइंड नॉट रेटिफाइड। 10 हैं ऐसी जिन्होंने ना ही साइन किए ना ही रेटिफाई किए। वो हैं चैड, कोमोरस, जिबूती, इरिट्रिया, इसराइल, किरिबाती, माइक्रोनेशिया, नामीबिया, साउथ सूडान एंड तुवालू। तो इन्होंने ना ही साइन किया है ना ही रेटिफाई किया है। इसराइल उनमें से एक बड़ी कंट्री है, साउथ सूडान, जिबूती, चैड एंड कोमोरस, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर द एग्जिम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इन द ईयर 1986-87। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। 1 only 2 only both या नन। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस will be A1 only। okay, and A1 only will be the correct answer। non-profit organization exempt policy के अंदर बनाया गया था 86-87 में, लेकिन ये काम करता है under the development commissioner handicrafts ministry of textiles के अंदर। export promotion council of handicrafts जो है वो काम करता है किसके अंतर्गत, ये वर्क करता है development commissioner handicrafts ministry of textiles government of india के अंतर्गत काम करता है, इस कारण से वो गलत है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बेसिकली वो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन आइबेक्स। तो हिमालयन आइबेक्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रांस हिमालयन रेंजेस एंड ऑल्सो फाउंड स्पेशली इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, हिमालयन एबेक्स आर डिस्टिंक्ट स्पीशीज फ्रॉम साइबेरियन एबेक्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डाइवर्स हैबिटेट रेंजिंग फ्रॉम कोल्ड डेजर्ट्स टू लो माउंटेन्स एंड फुदिल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 only 2 only both या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा B 2 only विल बी द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंटली जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की थी जिसमें ये पता चला था कि हिमालयन आईबेक्स जो है वो डिफरेंट होते हैं साइबेरियन आईबेक्स से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हिमालयन आईबेक्स को डिफरेंट बोला गया था साइबेरियन आईबेक्स से। और द जेनेटिक एनालिसिस कंडक्टेड विद द इंक्लूजन ऑफ द सीक्वेंस अवेलेबल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द डिस्ट्रीब्यूशन रेंज इन सेंट्रल एशिया, ताजिकिस्तान, अल्ताई माउंटेन्स, मंगोलिया, रशिया, they provided sufficient evidence that Himalayan ibex is genetically different from the Siberian ibex। okay, तो ये याद रखिएगा, that is very very important, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में ऐसे नहीं पाए जाते, इसलिए वो स्टेटमेंट पहला गलत था, ठीक है ना। तो ये तीन क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी बने, चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आए। ओके, अगला जो न्यूज़ एनालिसिस पार्ट का पहला न्यूज़ है वो है मेजर स्टिमुलस पैकेज फॉर MSME। तो 20 लाख करोड़ का पैकेज आप सबको होता है प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया था। तो कल थोड़ा उसकी डिटेल्स रिलीज की गई हैं बाय निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो शी हैज सेड दैट 3 लाख करोड़ कोलैटरल फ्री लोन विल बी गिवन फॉर द बिजनेसेस। ओके, 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा बिजनेसेस को, स्पेशली द माइक्रो स्मॉल एंड MSME सेक्टर, उसको दिया जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे चीज़ें की गई, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 3 लाख करोड़ इमरजेंसी क्रेडिट टू MSMEs
Only domestic firms can bid for government procurements up to 200 crore. 200 करोड़ तक के जो भी procurements हैं उसमें केवल domestic companies ही bid कर सकती हैं. Then employee taxpayers के लिए भी किया गया कि EPF जो deduction slashed, they have been slashed for the 3 months. 20% जो EPF deduction है वो मतलब 20% from 24% अभी तक सैलरी का कट होता था, वो 20% हो जाएगा ईपीएफ डिडक्शंस. ओके, आईटी रिटर्न्स डेडलाइन जो है वो बढ़ा दी गई है, नवंबर तक कर दी गई है. दिस विल इन्हांस टेक होम पे इफ एम्प्लॉयर्स पास इट ऑन बट डेंट रिटायरमेंट इट सेविंग्स. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अगर देखो तो पावर पीएसयूज टू लेंड 90,000 करोड़ टू स्ट्रेस्ड स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन. तो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज हैं उनको 90,000 करोड़ निकाला जाएगा पावर पीएसयूज के द्वारा. तो दैट इज अनदर थिंग दैट इज गिवन फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर बिड जो पावर सेक्टर उसको दिया गया है. Then deadlines for the reality projects and public infrastructure contracts has been extended. Financial sector के लिए fresh 45,000 crore partial guarantee, partial credit guarantee for NBFCs, जो NBFCs होती हैं उनको 45,000 करोड़ रुपये का partial credit guarantee दिया जाएगा. Then rupees 30,000 crore special liquidity for microfinance and housing finance firms and NBFCs, 30,000 करोड़ का special liquidity भी दिया जाएगा. Okay, so these are the things which has been given under this 20 lakh crore package. काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है ना. रुपीज़ 50,000 करोड़ इक्विटी इन्फ्यूजन इज ऑल्सो प्लान. तो कुछ चीज़ें हैं जो की गई. अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की गई वो है MSMEs की डेफिनेशन को एक्सटेंड किया गया. बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज़्यादा. तो ये आप देख सकते हैं, मैंने एक फोटोग्राफ लिया है एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ MSME. तो एग्जिस्टिंग जो है ऊपर आपको एग्जिस्टिंग दिख रहा है. क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट बेसिस पे है. तो मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस और सर्विस इंटरप्राइजेस के लिए अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग क्राइटेरिया होता है. मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो इंडस्ट्रीज वो हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम था अभी तक लिए, जो प्रेजेंट डेफिनेशन थी. वहीं सर्विस के लिए माइक्रो वो थी जिनमें इन्वेस्टमेंट 10 लाख से कम था, स्मॉल वो थी जिनमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम था और सर्विस के लिए 2 करोड़ से कम था, और मीडियम वो थी जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम था और इनमें सर्विस सेक्टर के लिए 5 करोड़ से कम था, ठीक है. तो ये प्रेजेंट डेफिनेशन थी. अब रिवाइज्ड डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए माइक्रो वो हैं जो 1 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को अब माइक्रो बोला जा रहा है. पहले 25 लाख था, वो 1 करोड़ हो गया है, और टर्नओवर जो है वो दोनों के लिए अब सेम हो गया है, 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर 5 करोड़ से कम. ओके, दूसरा स्मॉल की डेफिनेशन में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम और टर्नओवर 50 करोड़ से कम, मीडियम में इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ से कम. तो ये जो है ये एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड डेफिनेशन है. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसलिए मैंने पूरा कर दिया ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छे से याद कर लेना. ये पूछा जा सकता है बेसिकली एग्जाम में आपसे, तो ये आपका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना. आगे मूव करते हैं, CAPF कैंटीन्स टू गो स्वदेशी. तो बेसिकली आने वाली जो 1 जून है वहाँ से एक डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा कि जो 10 लाख CAPF पर्सनल्स हैं यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के पर्सनल्स हैं और इनकी जो मतलब बेसिकली 50 लाख फैमिली अगर मेम्बर मिला दो तो 50 लाख फैमिली मेम्बर्स टोटल हो जाएंगे, तो उनका जो जो भी कैंटीन का सामान है वो पूरा स्वदेशी कर दिया जाएगा. दैट विल बी स्वदेशी, दैट विल बी प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया. दिस इज द डिसीजन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब CAPF के अंदर कौन कौन सी फोर्सेस हैं, बेसिकली यहाँ पे सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस एंड सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेज CISF, देन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, देन असम राइफल्स. ओके, असम राइफल्स के बारे में एक चीज़ याद रखना कि इसमें डुअल कंट्रोल है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी. तो डिफेंस और होम का डुअल कंट्रोल रहता है इसके ऊपर, याद रखिएगा. द सेंट्रल परचेज कमेटी, अब देखो एक है इन जो जो कैंटीन्स हैं CAPF की, इन सब की सेंट्रल परचेज कमेटी होती है, वो सेंट्रल पुलिस कैंटीन सिस्टम की होती है, ठीक है ना. सेंट्रल पुलिस सिस्टम, पुलिस कैंटीन सिस्टम के अंतर्गत एक सेंट्रल परचेज कमेटी होती है जो कि इन कैंटीन्स के लिए आइटम को परचेज करने का काम, ये सब काम करती है. इनको हेड करता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का एक ऑफिसर. ओके, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक का एक ऑफिसर इनको हेड करता है. इस फैसिलिटी को स्टार्ट किया गया था MHA द्वारा इन 2007 में. ये कैंटीन फैसिलिटी जो CAPF की पुलिस कैंटीन फैसिलिटी है 2007 में स्टार्ट की गई थी, और बेसिकली ये जो बेनिफिशरीज है वो सर्विंग और रिटायर्ड CAPF पर्सनल्स और उनकी फैमिलीज के लिए ये सारी चीजें हैं. तो दिस इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनको हमको डिस्कस करना है. तो एक एक करके मूव करते हैं. यहां पे एडिटोरियल सेक्शन में आते हैं. एडिटोरियल से पहले मैं आपको पूरे न्यूज ही बता देता हूं. तो लास्ट से अपन आते हैं
ताकि अपन पूरी न्यूज़ कवर कर लेते हैं ना, पहले न्यूज़ कवर कर लेंगे फिर एंड में आपको एडिटोरियल पूरा बता देंगे। तो यहाँ पे अगर हम आए तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इसमें मेन जो एमएसएमई की डेफिनेशन थी वो मैंने आपको बता दी है और वो ज़रूर याद रखना। ताइवान के बारे में आपको याद होना चाहिए, ताइवान के लिए कल भी मैंने आपको बताया कि वन चाइना पॉलिसी के बारे में बताया था। तो ताइवान जो है इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा काम करना चाहता है इन ऑर्डर टू फाइट COVID-19 पैंडेमिक। आपके लिए होमवर्क ये है कि ताइवान की केस स्टडी पढ़ना, थोड़ा ताइवान बहुत अच्छे से कवर किया है। इनफैक्ट सार्स के बाद ताइवान अभी बहुत ज़्यादा रेडी था, इसलिए COVID-19 का बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपको ताइवान में देखने को नहीं मिलेगा। वही सारी स्ट्रेटजीज वो इंडिया के साथ शेयर करना चाहते हैं। अब देखो होता क्या है कि चाइना, ताइवान जो है खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है। ताइवान बोलता है कि हम इंडिपेंडेंट है और वी आर द रियल चाइना। तो एक ये खुद को आरएसयू बोलते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते हैं, और अपना पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अपना जो ओरिजिनल चाइना है, ठीक है ना। अब चाइना बोलता है कि हम वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करते हैं, वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी कहती है कि केवल एक ही चाइना है, देर आर नो सेपरेट पीआरसी और आरओसी, कोई इस तरह की चीज नहीं है, एंड ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए अभी यूएसए ने क्या किया कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ताइवान को एंट्री दिलाने के लिए, ऑब्जर्वर मेंबर की एंट्री दिलाने के लिए एक रेजोल्यूशन किया है। अब इंडिया के पास दिक्कत यह है कि इंडिया उसको सपोर्ट करे या ना करे। अगर वो करती है तो डायरेक्टली वो चाइना के सामने एंटी में आ जाएगा, अगर वो नहीं करती है तो फिर वो एक तरीके से ये मान लेता है कि ताइवान वो चाइना का पार्ट है। कोई भी कंट्री एज पर चाइना वो ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं रख सकती, अगर उसको चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखना है तो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम है। अगली जो न्यूज है देखो यहां पे, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स विल सून बी ऑपरेशनल। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स विल सून बी ऑपरेशनल। तो अब आर्मी ने एक नया बेसिकली स्टार्ट किया है, आर्मी का नया कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स। इंडियन आर्मी का है इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, ताकि जो बेसिकली ये आर्मी का टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्स का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। और अभी इसके बिल्कुल ट्रायल्स चल रहे हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स के। और जो आर्मी चीफ है जनरल मेजर, जो मेजर नरवाने हैं, MM नरवाने हैं, उन्होंने बेसिकली अभी कहा है कि ये चीज़ अभी आर्मी में इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस की जाएगी, ताकि बेसिकली हो सके कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें कॉम्बैट फॉर्मेशंस में, एंड स्विफ्टली हम अपने स्ट्राइक्स को अपने एडवर्सरीज पे लॉन्च कर सकें। स्ट्राइक्स को स्विफ्टली लॉन्च करने के लिए एडवर्सरीज पे बेसिकली ये इंटीग्रेटेड बैटल जो आपका ये चीज़ है, ओके, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स ये बनाया जाएगा फॉर स्विफ्ट अटैक ऑन द एडवर्सरीज। ईच IBG वुड बी टेलर मेड बेस्ड ऑन तीन टीज इसमें है इंपॉर्टेंट। एक है थ्रेट, दूसरा है टेरेन, एंड तीसरा है टास्क। ओके, तो थ्रेट, टेरेन एंड टास्क याद रखिएगा। थ्री टी कौन कौन से हैं थ्रेट, टेरेन एंड टास्क, इनको मद्देनजर रखते हुए पूरा जो अटैक होगा वो डिवाइस किया जाएगा। और पूरा जो अटैक वो 12 से 48 घंटे के बीच में बेस्ड ऑन लोकेशन ये कंडक्ट किया जाएगा 12 से 48 घंटे के अंदर। तो ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अगली जो न्यूज़ है वो है स्टॉप फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंसेस। अब बेसिकली कंजर्वेशनिस्ट जो हैं, जो कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, अभी रिसेंटली आपको मैंने एक न्यूज़ बताई थी कि एक रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिसमें कि NTCA, NBWL और बाकी जो सेंट्रल जू अथॉरिटी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इनको, इनके जो रीजनल ऑफिसर, उनको मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड कमांड टाइप का बनाया जाएगा, ताकि कोऑर्डिनेशन और ज़्यादा प्रॉपर हो सके। अब कंजर्वेशनिस्ट ने कहा है बेसिकली कि अभी जो COVID-19 के टाइम पे लगातार क्लियरेंसेस, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस दिए जा रहे हैं, उनको बंद कर देना चाहिए, उनको क्लियरेंसेस को भी नहीं देना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे NBWL की बात कर लेते हैं, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखिएगा स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत उसको बनाया गया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहते हैं इसको। बेसिकली कोई भी अगर कंजर्वेशन ऑन वाइल्ड लाइफ रिलेटेड जो भी कोई प्लान है, कोई प्रोग्राम है, तो उसको रिव्यू करने का ये एपेक्स बॉडी होती है। अगर आपको नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में कोई भी चेंज करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क में अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई प्रोजेक्ट्स लाने हैं, तो NBWL की परमिशन के बिना आप उसको नहीं ला सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि NBWL ने कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को हेड कौन करता है, ये क्वेश्चन UPSC पूछ सकता है आपसे कि हु हेड्स द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये चेयर करता है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर्स दिस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें 47 मेंबर बॉडी है, जिसमें कि पार्लियामेंट मेंबर्स, NGO, कंजर्वेशनिस्ट, इकोलॉजिस्ट, इन्वायरमेंटलिस्ट, गवर्नमेंट सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, ये सारे लोग इसमें इंक्लूडेड रहते हैं, ठीक है ना।
एनजीओस के भी मेंबर्स इसमें रहते हैं। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कौन हेड करता है? प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। एपेक्स बॉडी है जो कि रिव्यू करती है वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स को और अप्रूव करती है प्रोजेक्ट्स को इन एंड अराउंड द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसी न्यूज़ में एक बॉडी और थी मैंशनड, NTC यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनी थी दिसंबर 2005 में बनाई गई थी टाइगर टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर बनाया गया था इसको। टाइगर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया था कि एक बॉडी बनानी चाहिए जिसको कि क्या बोलेंगे, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कहेंगे अपन, ठीक है ना। अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 का है उसको अमेंड किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड किया गया था और उसके अंतर्गत ये बॉडी NTCA बनाई गई, ठीक है ना। अब ये क्या करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, आप सबको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो स्टार्ट हुआ था 1973 में हुआ था टाइगर के कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के लिए और 1973 में इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है ना। अब नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के अगर कोई प्लान है टाइगर कंजर्वेशन के तो उसको देखती है, अप्रूव करती है। दूसरे ये स्टैंडर्ड्स बनाती है, मतलब कि किन स्टैंडर्ड्स और मेजर्स के बेसिस पे आपको टाइगर कंजर्वेशन करना है वो सारे स्टैंडर्ड्स ले डाउन करेगी आपका NTCA। ये रिपोर्ट भी ले डाउन करती है पार्लियामेंट के सामने, टाइगर कंजर्वेशन के रिलेटेड कोई रिपोर्ट है तो उसको भी पार्लियामेंट के सामने रखने का काम करती है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। NTCA का अगर आपका प्रेजेंट स्टेटस जानना है तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ओके। तो MOEFCC के अंतर्गत ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। स्टेट्यूटरी बॉडी क्यों है, क्योंकि ये एक एक्ट के थ्रू बनी थी और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशनड है। अब ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, टाइगर सेंसस नाम की चीज होती है, हर 4 साल में कंडक्ट होता है। तो NTCA वो बॉडी है जो कि हर 4 साल में आपका ये कंडक्ट करता है टाइगर सेंसस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तीसरी बॉडी जो यहाँ मेंशनड है वो है सेंट्रल जू अथॉरिटी, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इन बेसिकली मिनिमम आपको बताती है कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए फॉर द अपकीप एंड हेल्थ केयर ऑफ द एनिमल्स इन इंडिया जू। इंडिया के जो जू हैं उनमें क्या मिनिमम स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि एनिमल्स को अच्छे से रखा जा सके वहाँ पे। इस कारण से ये सेंट्रल जू अथॉरिटी नाम की बॉडी जो है वो बनाई गई है। एंड जूज आर रेगुलेटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड आर गाइडेड बाय द नेशनल जू पॉलिसी ऑफ 1992। तो दो एक्ट्स और इसके रिगार्डिंग याद रखिएगा कि जो जू है इंडिया में वो रेगुलेट होते हैं बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत ही आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाया भी गया है, ठीक है ना। एंड ये बेसिकली गाइडेड बाय द नेशनल जू पॉलिसी ऑफ 1992। तो नेशनल जू पॉलिसी 1992 की है उससे ये गाइडेड रहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखनी है इस न्यूज़ आइटम से। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आइटम। नेपाल कैन लेट इंडिया यूज लिंक रोड ओली। अब यहाँ पे जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली, उन्होंने कहा है कि नेपाल अलाउ कर सकता है इंडिया को कि वो लिंक रोड का यूज़ कर लें फॉर एक्सेसिंग द लेपुलेख पास एज अ पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, बट दे विल नॉट रेंडर द कालापानी टेरिटरी ऑन विच इंडिया हैज़ बीन कैरिंग आउट कंस्ट्रक्शन। अब इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, इसको बोलते हैं कालापानी डिस्प्यूट, ओके। कालापानी डिस्प्यूट है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है UPSC की कालापानी डिस्प्यूट किन दो कंट्रीज के बीच में है, तो ये इंडिया और नेपाल के बीच में। अब बेसिकली इसमें अभी इंडिया जो क्लेम करता है कि पिथौरागढ़ का जो रीजन है उत्तराखंड में उसके अंतर्गत ये कालापानी की टेरिटरी आती है। 372 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जो कि कहा जाता है कि इस एरिया के अंदर आता है। वहीं पे नेपाल का कहना है कि वो उनके दाराचूल वाला जो रीजन है, डिस्ट्रिक्ट वाला जो रीजन है, दाराचूल डिस्ट्रिक्ट का जो रीजन है वहाँ पे उसके अंतर्गत आता है। तो यही डिस्प्यूट है कि एक क्लेम कर रहा है कि कालापानी जो टेरिटरी है वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, दूसरा बोल रहा है कि जो नेपाल है वो बोलता है कि उनका जो दाराचूल डिस्ट्रिक्ट है उसका पार्ट है वो कालापानी। तो ये डिस्प्यूट है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। अब इंडिया बेसिकली जो मानसरोवर की यात्रा के लिए, बेसिकली मानसरोवर की यात्रा के लिए एक रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा है जो कि यहाँ से पास हो रही है, इस वाले रीजन से थोड़ा डिस्टेंस को कम कर देगा ये। तो वही है, नेपाल ने उसी का अपोज किया है एंड दे आर सेइंग दैट कि जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं है एंड ये नहीं होना चाहिए था। एंड इंडिया को नेपाल अगर चाहे तो लिंक रोड का यूज़ करने के लिए परमिशन दे सकता है टू द लिपुलेख पास। अब लिपुलेख पास कहाँ पर है, उत्तराखंड वाले रीजन में ही है, तो उत्तराखंड में ही आपका लिपुलेख पास भी है, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तो लिपुलेख पास आपका उत्तराखंड में, ये भी याद रखना। नेपाल एक्सप्रेस्ड रिग्रेट आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड द लिंक रोड दैट विल कट ट्रेवलिंग टाइम टू द तिब्बतन प्लेटू एंड द कैलाश मानसरोवर। तो लिंक रोड जो है बेसिकली डिफेंस मिनिस्टर ने उसको इनॉग्रेट किया था एंड ये ट्रेवलिंग टाइम को कट कर देगा टू द तिब्बतन प्लेटू एंड द कैलाश मानसरोवर। तो वही नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कहना है कि लिंक रोड का यूज़ तो आप कर सकते हो लेकिन हम काला पानी की टेरिटरी आपको नहीं दे रहे, हम ये नहीं बोलेंगे कि आपको काला पानी टेरिटरी दे दी जाएगी, ठीक है ना।
अब काठमांडू यानी कि नेपाल का ये कहना है द टेरिटरीज टू द ईस्ट ऑफ महाकाली रिवर, जो बेसिकली जो डिस्प्यूट है वो महाकाली रिवर से है, महाकाली रिवर के पूरा ईस्ट की जो टेरिटरीज हैं, महाकाली रिवर से ईस्ट की टेरिटरीज, वो नेपाल का कहना है कि नेपाल के अंतर्गत आती है। ट्रीटी ऑफ सुगौली जो 1816 की ट्रीटी है ईस्ट इंडिया कंपनी और किंग ऑफ नेपाल के बीच में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली, उसके बेसिस पे वो ऐसा कह रहे हैं कि जो ईस्ट ऑफ महाकाली रिवर जितनी भी टेरिटरी वो पूरा नेपाल का पार्ट है। ओके, सपोज अगर महाकाली रिवर इस तरह से फ्लो कर रही है तो इसके ईस्ट में जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो नेपाल का पार्ट है। यहाँ पे बेसिकली इंडिया का कहना है कि ये वाला जो रीजन है महाकाली इसके इतना, ये इंडिया में आता है जो काला पानी का रीजन है, बट नेपाल का कहना है कि यहाँ से पूरा इनका पार्ट है। तो बेसिकली डिस्प्यूट इस छोटे से एरिया का है जो इन इसके बीच में आता है, ठीक है ना। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो ये बेसिकली ट्रीटी ऑफ सुगौली 1816 में हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगौली। क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रीटी ऑफ सुगौली कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, 1816 में हुई थी बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ नेपाल। तो वही उनका कहना था कि जो भी रीजन ईस्ट ऑफ महाकाली होगा वो नेपाल का पार्ट होगा, इस कारण से वो कहते हैं काला पानी उनका हिस्सा है, लेकिन इंडिया कुछ और स्टैंड देता है इसके लिए, ठीक है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गेट्स न्यू चीफ, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को नया डायरेक्टर जनरल मिल गया है, एंड ये अपॉइंटमेंट है आईएएस ऑफिसर वी विद्यावती का। ओके, तो ऑफिसर आईएएस ऑफिसर है वी विद्यावती, 1991 बैच कर्नाटका कैडर की ऑफिसर है, और इनका बेसिकली अपॉइंटमेंट किया गया है, इनको अपॉइंट किया गया है कि ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड करें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बताता हूँ, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है। इट्स अ प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। ओके, प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। इसका दूसरा काम यह है कि मेंटेनेंस ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स, उनको मेंटेन करने का काम भी बेसिकली एएसआई का ही है। इसके अलावा दो एक्ट्स हैं जिसको कि ये मॉनिटर करता है, दो एक्ट्स हैं जो कि ये देखता है बेसिकली। तो वो दो एक्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो आपका एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958 का आपका एक्ट है, आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट 1958, और दूसरा है एंटीकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, एंटीकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट ऑफ 1972, ये दोनों एक्ट्स को ये मॉनिटर करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेसिकली इसने पूरी कंट्री को जो है, इसने कंट्री को कल्चरल जो हेरिटेज है इंडिया की उसको 24 सर्कल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इंटायर कंट्रीज डिवाइडेड टू 24 सर्कल्स। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं इसकी बेसिकली, तो इसकी जो स्टार्टिंग है, बनने की स्टार्टिंग, उसके पहले एक और बॉडी बनी थी, वो बॉडी कौन सी बता देता हूँ, वो है बॉडी आपकी एशियाटिक सोसाइटी। ओके, एशियाटिक सोसाइटी जो है उसको बनाने में सर विलियम जोन्स का बहुत बड़ा योगदान था। तो एशियाटिक सोसाइटी को बनाने का काम सर विलियम जोन्स का था, जो कि 1784 कलकत्ता में जिन्होंने बनाया। ओके, 1784 कलकत्ता में सर विलियम जोन्स की मदद से ये बनाया गया। फिर उसके बाद दूसरा जो इंपॉर्टेंट एक इवेंट है इसके बीच में, वो है 1833 जेम्स प्रिंसेप को एशियाटिक सोसाइटी का वो बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। तो उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि 1834 से लेकर के 1837 तक, 1834 से लेकर के 1837 तक उन्होंने बेसिकली जो आपकी खरोष्टी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट थी, उसको डेसिफर करने का काम किया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को, खरोष्टी स्क्रिप्ट को डेसिफर करने का काम इंडिया में किसने किया, तो जेम्स प्रिंसेप उन्होंने किया, और 1837 में ये काम कंप्लीट हुआ, 1837 में ये काम, 1837 में ये काम कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। और इन्होंने ही ये डिटरमाइन किया था कि अशोक का नाम जो है वो देवनम पियादासी है, पियादासी के नाम से लिखा हुआ है उनके एडिक्ट्स में, तो ये चीज़ उन्होंने पता की थी। अब 1861 में जा करके आपका बेसिकली ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1861 में जा करके बना, और उसको अलेक्जेंडर कनिंघम उसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाया गया। अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया गया 1861 में एज द सर्वेयर इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आर्मी प्रपोजेस 3 ईयर स्टिंट फॉर सिविलियंस। अब आर्मी का एक नया प्लान यह आया है कि एक मतलब टेम्प्रेरी बेसिस पे टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे, टेम्प्रेरी बेसिस में टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे या शॉर्ट सर्विस के नाम पे, ट्रायल बेसिस पे ऑफिसर्स की रैंक पे या दूसरी रैंक्स पे सिविलियंस को एम्प्लॉय करने का काम किया जाएगा। ओके, सिविलियंस को आर्मी ने प्लान किया है कि 3 ईयर के टाइम पीरियड के लिए टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे, शॉर्ट सर्विस के नाम पे या ट्रायल बेसिस पे कहना चाहिए कि ऑफिसर्स और इन दूसरी रैंक्स में वैकेंसीज निकाली जाएंगी, और फिर धीरे धीरे इन वैकेंसीज को एक्सपैंड भी किया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा
होगा कि ये रिडक्शन करेगा इन द एक्सपेंडिचर ऑन पे एंड पेंशन एंड फ्री ऑफ द फंड्स फॉर आर्मीज मॉडर्नाइजेशन। तो इससे क्या होगा बेसिकली फ़ायदा कि जो पे एंड पेंशन में पैसा जाता है थोड़ा कम होगा और इट विल फ्री अप द फंड्स फॉर आर्मीज मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पे बेसिकली किया जाएगा, सिविलियंस को एम्प्लॉय किया जाएगा 3 ईयर बेसिस पे, 3 साल के लिए टूर ऑफ ड्यूटी या शॉर्ट सर्विस ऑन अ ट्रायल बेसिस टू सर्व एज ऑफिसर्स इन एंड इन अदर रैंक्स। ओके, तो ऑफिसर्स की रैंक पे और दूसरी रैंक्स पे भी इनको एम्प्लॉय किया जाएगा। सो दैट इज द न्यूज़ विच वॉज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट न्यूज़ आइटम। तो अगली जो न्यूज़ है वो है ह्यूज लॉस फॉर 21 मेजर स्टेट्स। अब नाउ इन दिस न्यूज़ आइटम बेसिकली व्हाट द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च दैट इज फिच ग्रुप इज सेइंग इज दैट 21 स्टेट्स इन इंडिया हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ नियरली 97,100 करोड़ इन द रेवेन्यू ऑफ द अप्रैल मंथ। तो ये रिपोर्ट आई है बेसिकली किसकी, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, जिसको कि फिच ग्रुप बोलते हैं, उसने ये रेटिंग निकाली है। अब यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुआ है वो याद रखिएगा, द टर्म इज बेसिकली स्टेट्स ओन रेवेन्यू। अब ये स्टेट्स का ओन रेवेन्यू क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड रहती वो हम अपन देख लेते हैं करके। तो स्टेट्स ओन रेवेन्यू में जो चीज इंक्लूड रहती है वो आती है स्टेट का SGST, यानी कि जो स्टेट GST है, एस वैट जो स्टेट का वैट है, देन स्टेट एक्साइज। अब ये चीज कहां कहां लगाई जाती है, कहां का अप्लाई होती है वो अपन एक करके देखते हैं। तो स्टेट GST तो आप सबको पता है कि जो सेंट्रल GST, स्टेट GST, IGST, 3 अलग अलग फॉर्म में GST डिवाइडेड है। तो जब भी कोई आप आइटम लेते हो तो 9% उसमें अगर CGST लगता है तो 9% उसमें SGST भी लगता है, स्टेट GST, तो वो वाला जो कलेक्शन है वो SGST में जाता है। देन आपका स्टेट वैट होगा, देन आपका मोस्टली ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो स्टेट का वैट लगता है, मोस्टली ऑन द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। देन स्टेट एक्साइज मोस्टली ऑन लिकर, तो लिकर में जो है स्टेट एक्साइज लगती है वो। देन स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस जो होती है वो भी स्टेट्स ओन रेवेन्यू में ही आता है। देन व्हीकल टैक्स हो गया, टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एंड स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है, बिना टैक्स के जो रेवेन्यू मिलता है स्टेट्स को वो स्टेट्स ओन रेवेन्यू में आता है। तो लॉकडाउन के कारण जो स्टेट्स है बहुत ज़्यादा लॉस उन्होंने सफर किया है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक एंड तमिलनाडु, दे हैव गॉट मोर देन 70% ऑफ, दे गेट मोर देन 70% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज। तो ये सारा लॉस में ही जा रहा है बेसिकली, क्योंकि ये सारी चीजें कमी हो रही हैं। तो गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनको 70% से ज्यादा यहां इनसे मिलता है, इनको बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। देन महाराष्ट्र एंड केरला ऑल्सो गेट ऑलमोस्ट 70% ऑफ देयर रेवेन्यू फ्रॉम देयर ओन सोर्सेज ओनली। तो ये ओन सोर्सेज में जो चीजें आती हैं, फिर से बताता हूं, SGST, स्टेट वैट, देन आपका स्टेट साइज, स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन फीस, व्हीकल टैक्स, टैक्स एंड ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट है, वोकल अबाउट लोकल बट नो स्नफ फॉर ग्लोबलाइजेशन। दिस आर्टिकल इज बेसिकली ऑन द स्पीच ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विच टुक प्लेस 1 or 2 days ago। ओके, तो बेसिकली जो स्पीच था उसके रिगार्डिंग है कि उससे क्या एनालिसिस या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल सकती हैं इस आर्टिकल से, वो बताई गई हैं। तो बेसिकली 4 चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने बताई हैं, देर आर 4 डिसर्नेबल स्ट्रैंड्स इन द मिस्टर मोदीज स्पीच। पहला है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अगर पहली चीज़ आपने देखी हो तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ये देखा गया कि हम बहुत ज़्यादा दूसरी कंट्रीज पे हैवीली डिपेंडेंट है ना। इस कारण से जैसे इंडिया में कोई भी PPE किट नहीं बनती थी, इंडिया में अभी तक कोई भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनता था, लेकिन हम अब एक दिन में 2 लाख से ज़्यादा PPE किट बना रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी कहना चाहते थे कि इम्पोर्ट शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम योर ओन मेड, मतलब कि आपको मेड इन इंडिया करना ही पड़ेगा, मेक इन इंडिया करना ही पड़ेगा। यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द इम्पोर्ट विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम अदर कंट्रीज। आपको अपनी डिपेंडेंस दूसरी कंट्रीज पे कम करनी ही पड़ेगी। दूसरी चीज जो हम उनके स्पीच से ले सकते हैं वो है दैट इज पीपल सेंट्रिक। ओके, द एफर्ट शुड बी टू हैव अ सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए, ना कि आपका कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो ये पहले भी आ चुका है कि अभी क्या होता है कि सिटीजन्स को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता है, हर काम जो है वो कैपिटलिस्ट को बेनिफिट देने के लिए, कॉरपोरेट सेक्टर को बेनिफिट देने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली इंडिया में नहीं, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जो कैपिटलिज्म है वो एक सिटीजन को सिटीजन की तरह ना लेकर कस्टमर की तरह ट्रीट करता है। तो वहीं पे उनको बेसिकली लुक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट्स दिखा करके आप उनको कवर करने की कोशिश करते हो। तो वहां है सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच की जरूरत है, ना कि कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की। तो यहां पे प्रॉफिट ड्रिवन नहीं होना चाहिए, ये चीज हमको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्पीच से ये निकाल सकते हैं।
तीसरी चीज़ जो इसी में एक चीज़ और बता देता हूँ, ऐड करता हूँ कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ग्लोबलाइजेशन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ प्रिंसिपल ऑफ वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब कि वर्ल्ड इज़ अ सिंगल फैमिली, तो एक सिंगल फैमिली की तरह ग्रो करना है हमको, तो वहाँ पर भी नहीं छोड़ना है, लेकिन हमको अपनी बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। सिंपल सी बात है कि कहाँ पर हमको कोलैबोरेट करना है, कहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट करना है और कहाँ पर हमको डिफरेंसेस रखने, कहाँ पर हमको प्रॉपर बाउंड्रीज देनी है। अब जो तीसरा पॉइंट प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से ले सकते हो, ये है कि इंडियाज सेल्फ रिलायंस कैन ओनली बी एट द कॉस्ट ऑफ चाइना। सिंपल सी बात है कि देखो क्या हुआ है कि अभी जितनी पूरी कंट्रोवर्सी कोविड-19 की हमने देखी है, उससे हमको एक चीज़ समझ में ये आती है कि चाइना विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द मार्केट इन द कमिंग फ्यूचर। चाइना विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर। उसने इनफैक्ट अपनी जो ये ट्रेजेडी थी उसको भी उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। जो पीपी मास्क N95 मास्क, वेंटिलेटर होगा, ये सारी चीज़ें जितनी थी उन्होंने प्रोड्यूस ना केवल प्रोड्यूस किया बल्कि एक्सपोर्ट भी किया काफी ज्यादा ग्लोबल लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर ने नाम नहीं लिया इस कंट्री का, लेकिन इंडिया का अगर सेल्फ रिलायंस चाहिए तो चाइना से दूसरी जो कंट्रीज हैं कहीं ना कहीं दूरी बना रही है, किसी ना किसी स्तर पे दूरी बना रही है। अब अगर चाइना से दूरी बनाएंगी तो दे विल सर्च फॉर अ पार्टनर, वो किसी पार्टनर को ज़रूर सर्च करेंगे। अब वो पार्टनर उनको इंडिया में अगर मिलेगा तभी वो इंडिया के साथ कोलैबोरेट करेंगी। तो सिंपल सी बात यहाँ पर यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाएँ तो हमको चाइना से ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करना पड़ेगा, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और चाइना को रिप्लेस करने के लिए बेसिकली हमको कोशिश करनी पड़ेगी। तो तीसरा जो पॉइंट था वो ये था। एंड फोर्थ इज दैट हिज नोशन ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द सेल्फ रिलायंस नॉट फॉर ग्लोबलाइजेशन। उन जो प्राइम मिनिस्टर ने एग्जैक्टली कहा कि आगे जो आने वाले रिफॉर्म्स हैं वो ग्लोबलाइजेशन के लिए ना होकर के सेल्फ रिलायंस के लिए होंगे। ओके, तो ग्लोबलाइजेशन के लिए ना होकर के सेल्फ रिलायंस के लिए सारे रिफॉर्म्स आगे होंगे। तो दिस वॉज द थिंग विच वी कैन गेट फ्रॉम हिज आर्टिकल। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, टाइम टू गिव IRS ऑफिसर्स देयर ड्यू। IRS ऑफिसर्स को उनका ड्यू देने की जरूरत है। TCA रामानुजम का ये आर्टिकल है, ही वॉज द फॉर्मर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है। अब बात कर लेते हैं रिसेंटली अभी हुआ क्या है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन जो CBDT की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसने डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की है IRS ऑफिसर्स के रिगार्डिंग। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी उस कारण से। ओके, तो IRS ऑफिसर्स ने एक रिपोर्ट निकाली, उस रिपोर्ट के बाद एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी है। किसने? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है ना। तो सिंपल से ये आपको बेसिक बैकग्राउंड दे दिया। अब हुआ क्या है कि 50 IRS ऑफिसर्स हैं, 50 IRS ऑफिसर्स, दे थॉट दैट इट इज देयर ड्यूटी टू हेल्प द गवर्नमेंट इन आर ऑफ क्राइसिस। ओके, तो ये जो 50 IRS ऑफिसर्स थे इन्होंने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जिसका टाइटल था फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पांस टू कोविड-19 एपिडेमिक। इन्होंने ये सोचा कि इट इज़ देयर ड्यूटी टू हेल्प द गवर्नमेंट इन दिस क्राइसिस सिचुएशन। अब इस क्राइसिस सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट की जिसका कि नाम था फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पांस टू द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी कि क्या फिस्कल ऑप्शंस है आपके पास और किस तरीके से आप कोविड-19 का जो एपिडेमिक है उसको आप किस तरीके से रिप्लाई दे सकते हो, मतलब कि इकॉनमी को किस तरह से बाहर निकाल सकते हो। इस रिपोर्ट का नाम है फोर्स रिपोर्ट। तो UPSC यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोर्स रिपोर्ट किसने निकाली थी, तो 50 IRS ऑफिसर्स निकाली थी, या पूछ सकता है कि फोर्स रिपोर्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है आपका फिस्कल ऑप्शंस एंड रिस्पांस टू कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस कारण से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है। अब इन्होंने इस रिपोर्ट में क्या क्या बोला, इन ऑर्डर टू टाइड ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस द रिपोर्ट सजेस्टेड रेजिंग द हाईएस्ट स्लैब रेट टू 40%। ओके, हाईएस्ट जो स्लैब रेट है उसको इंक्रीज करने की बात की। फॉर इनकम रुपीज 1 करोड़ से ज़्यादा की अगर इनकम है तो जो स्लैब रेट है वो 40% करने की बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि आप रीइंट्रोड्यूस कर दो वेल्थ टैक्स फॉर दोज विद वेल्थ ऑफ रुपीज 5 करोड़ और मोर, जिसकी 5 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है उसके ऊपर आप वेल्थ टैक्स लगाना शुरू कर दो। दूसरा उन्होंने बोला कि प्रोवाइडिंग एन एडिशनल 1 टाइम सेस ऑफ 4% ऑन टैक्सेबल इनकम ऑफ ₹10 लाख एंड अबव, जो 10 लाख से ऊपर की अगर इनकम है तो 4% का एडिशनल सेस लगाने की बात भी की है फॉर कोविड-19 रिलीफ। ओके, कोविड-19 रिलीफ के लिए ये भी कहा गया है। देन प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ फॉर सेक्टर्स हार्ड हिट बाय द कोविड-19, जो सेक्टर्स कोविड-19 से हिट हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए उनको टैक्स रिलीफ देने की बात की गई है। अब इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी और ने ना बोली हो, इस कारण से ऑथर का ये कहना कि क्यों इनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई ये क्लियर नहीं हुआ है। अब ऑथर ने बेसिकली IRS ऑफिसर्स का जो
दुख है उसको कहीं ना कहीं व्यक्त किया है। उनका ये कहना है कि देर इज़ अ डिबेट ऑफ जर्नलिस्ट वर्सेज स्पेशलिस्ट। होता क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो हेड होती है वो एक आईएएस ऑफिसर से हेड होती है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो हेड होती है उसको एक आईएएस ऑफिसर हेड करता है। ओके, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, ये सारे जो होते हैं आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। लेकिन आईएएस ऑफिसर तो होते हैं पर इनको क्या एक्सपीरियंस होता है हैंडलिंग द इकोनॉमी? तो वो देखो तो एक्सपीरियंस बहुत कम है इनको। वहीं पर अगर हम सीबीडीटी की बात करें तो वो आईआरएस ऑफिसर्स मैनेज करते हैं जिनको कि एक्सपीरियंस काफी ज्यादा होता है। ओके, तो यहां पे जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट के का डिफरेंस है कि अगर आप आईआरएस ऑफिसर्स को देखें तो वो रेवेन्यू फाइनेंस के फील्ड में वो स्पेशलिस्ट हैं। वहीं पे आईएएस ऑफिसर्स को देखें तो वो एक जनरलिस्ट की तरह काम करते हैं। भले आप उनको फाइनेंस में आप हेड बना दो, सेक्रेटरी बना दो, ये सारी चीजें कर दो, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक डिस्प्यूट रहेगा बिटवीन जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। वही ऑथर ने कहा है कि क्यों नहीं आईआरएस ऑफिसर्स को हाईएस्ट अथॉरिटी या हाईएस्ट पोस्ट दी जाती है, क्यों उनको इनविजिबल रखा जाता है। तो यही ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि द आईएएस ऑफिसर्स आर टोटली इनविजिबल डिस्पाइट द बजट बीइंग द हैंडीवर्क ऑफ हार्ड वर्किंग आईएएस ऑफिसर। जो ये बजट होता है पूरा का पूरा, ये आईआरएस ऑफिसर्स का ही हार्ड वर्क होता है, तो वही रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन फिर भी ये जो आईआरएस ऑफिसर से आप किसी आईआरएस ऑफिसर को हार्डली जानते होंगे, है ना, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि आईआरएस ऑफिसर्स जो रहते हैं वो इनविजिबल रहते हैं और जो पूरा लाइमलाइट में आते हैं वो आईएएस ऑफिसर्स या फाइनली आपका मिनिस्टर आता है, ठीक है ना। IAS officers know little about base erosion and profit sharing. जो OECD का base erosion profit sharing का model है उसके बारे में नहीं जानते। Then transfer pricing के बारे में IAS officers ज़्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप revenue administration देखो तो पूरा का पूरा वो IAS officers के हाथ में है, ना कि IRS officers के हाथ में। इसी कारण से जो income tax laws हैं वो बहुत ज़्यादा messy है इंडिया में। ओके, तो ये चीज़ author ने कही कि अगर हम specialist को वहाँ पर लाएँ ना कि generalist को, तो और ज़्यादा clear cut streamlined आपको taxation में या टैक्स के जो लॉज है वो आपको ज्यादा स्ट्रीमलाइंड देखने को मिल सकते हैं। इट इज मोस्टली आईएएस ऑफिसर्स हु आर मेड द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कॉम्पिट्रोल ऑडिटर जनरल। तो आईआरएस ऑफिसर्स को रेयरली आप देखेंगे कि ये टॉप पोस्ट कहीं ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो वही चीज यहां पे ऑथर ने कही कि इट इज हाई टाइम दैट कि हम स्पेशलिस्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें और आईआरएस ऑफिसर्स जिनको कि उनका जो ड्यू है वो उनको प्रॉपरली दिया जाए, उनको उनकी जो रिस्पेक्ट है वो प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए। अगला जो आर्टिकल है वो है प्रोवाइड इनकम सपोर्ट एंड रीस्टोर जॉब्स। अब ये जो आर्टिकल है बेसिकली अभी रिसेंटली जो लेबर लॉज में चेंज किया जा रहा है, कुछ स्टेट्स क्या कर रहे हैं कि 8 घंटे से जो वर्किंग आवर्स उनको बढ़ा करके 12 घंटे कर दिया है। इनफैक्ट जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी यही कर रहा है कि जितने भी लेबर लॉज हैं उनको चेंज करके 4 कोड्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि लगभग 44 to 47 लॉज आर देयर इन इंडिया और इनको कन्वर्ट करके 4 कोड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि इस कारण से होगा क्या कि जो लेबर राइट्स हैं बहुत सारे स्नैच अवे हो जाएंगे, बहुत सारे जो लेबर राइट्स हैं वो दूर हो जाएंगे, उनको छुड़ा लिया जाएगा, उनको वापस ले लिया जाएगा। तो यहां पे ऑथर ने कहा है कि इंस्टेड ऑफ इनकरेजिंग वर्कर्स टू स्टे बैक और रिटर्न टू सिटीज बाय इंश्योरिंग लाइवलीहुड सपोर्ट एंड सेफ्टी नेट्स, कि अभी का तो टाइम ऐसा है कि आपको और इंश्योर करना चाहिए कि उनको लाइवलीहुड मिलेगी, उनको और ज्यादा सिक्योरिटी नेट में रखा जाएगा, सेफ्टी नेट में रखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट्स उनके जो राइट्स हैं उनको भी स्ट्रिप ऑफ कर दे रही है, उनके जो फंडामेंटल राइट एज अ वर्कर है उनको स्ट्रिप ऑफ किया जा रहा है। माइग्रेंट का जो लॉ था 1979 का उसको भी एब्रोगेट करके चेंज किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें ऑथर ने यहाँ पे कही है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, इंस्टेड ऑफ दैट आपको उनको और ज्यादा प्रमोट करना चाहिए था, और ज्यादा सेफ्टी नेट उनको प्रोवाइड करना चाहिए था। द एब्रोगेशन ऑफ लेबर लॉज रेजेस मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल क्वेश्चंस जो कि रेज हो रहे हैं यहाँ पे, ऑथर का ऐसा कहना है। इंप्रूव्ड सप्लाई इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट डिमांड। अभी एक लॉ है बेसिकली जिसको सेल्स लॉ इन इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो सेल्स लॉज इन इकोनॉमिक्स होता है, यूपीएससी आपसे पूछ सकता है कि सेल्स लॉ किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इकोनॉमिक्स का लॉ है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल्स लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है, तो याद रखिएगा कि अगर सप्लाई इंप्रूव हो जाए, अगर इंप्रूव्ड सप्लाई है इट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट डिमांड। अगर फ्लॉलेस रहेगा आपका मार्केट में सप्लाई तो उससे डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ऐसा कहता है आपका सेल्स लॉ इन इकोनॉमिक्स। ओके, अब इसका ये तब पॉसिबल है जब आपके लेबर लॉज जो हैं, लेबर लॉज एक अच्छे से हैं, बाइंडिंग हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, एंड आपका एक प्रॉपर लेबर्स को एक वो मिल रहा है, तभी ये सारे लॉज जो हैं ये जो सिंपलिस्टिक रीजनिंग है ये अप्लाई होती है, ठीक है ना। अब होता क्या है कि जो लॉकडाउन है उस कारण से सप्लाई बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हुई है, इस कारण से डिमांड भी घट गई है ना। अगर हम सेल्स लॉ की तरफ से देखें, सेल्स लॉ जो इकोनॉमिक्स का कहता है कि अगर सप्लाई इंप्रूव है तो डिमांड बढ़ जाएगी, अगर सप्लाई
डिसरप्टेड डिमांड घट जाएगी। तो वही वाली बात है कि अभी रिसेंटली क्या है, शॉर्टेज नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन अभी क्या है आपके पास डिमांड कम क्यों आ रही है, क्योंकि जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं है। तो अब प्राइवेट बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो लेबर के जो वेजेस हैं उसको कटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आपका प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो रहा है, जब आपकी सेल ज़्यादा नहीं है, तो आप प्रॉफिट कैसे मेंटेन करोगे? तब आप प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए, एटलीस्ट लॉस को कम करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करोगे कि वेजेस को कट करना शुरू कर दोगे, ठीक है ना। बिफोर द लॉकडाउन एनुअल जो GDP ग्रोथ थी वो ऑलरेडी कम चल रही थी, 4.7 पे चल रही थी, 8.3 पहले थी 16-17 में, वहाँ से घटकर 4.7 आ गई है। स्लो डाउन इज ड्यू टू लैक ऑफ डिमांड नॉट ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे ऑथर ने क्लियर किया कि जो स्लो डाउन है ये डिमांड कम है इस कारण से है, ना कि सप्लाई, सप्लाई तो है लेकिन डिमांड कम है। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैसिव जॉब एंड इनकम लॉसेज आफ्टर द लॉकडाउन हैज एग्रीगेटेड दिस डिमांड प्रॉब्लम। अब हुआ क्या कि लॉकडाउन के बाद और कम जॉब्स मिल रही हैं, जब और कम जॉब्स आएंगी तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम जो रहेगी हाथ में और कम हो जाएगी, जब डिस्पोजेबल इनकम और कम हो जाएगी तो और कम सामान खरीदेंगे, और कम सामान खरीदेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, जब डिमांड और कम होगी तो एक विशेष साइकिल में एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली ऑथर का ये कहना था कि डिमांड बढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा पैसे उन पब्लिक के हाथ में देना चाहिए। तो अगर आप वेजेस रिड्यूस कर रहे हो तो वेजेस रिड्यूस करने से तो मतलब ये कि कस्टमर की डिमांड और घटेगी, तो वेजेस रिड्यूस नहीं करना है आपको, वेजेस बढ़ाना है, वेजेस कट नहीं करना है, वेजेस को इम्प्रूव करना है। तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे कही कि यहाँ पे जो लेबर लॉज है उनको इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए था आपको कि एक फाइन बैलेंस बन सके और वहाँ पे वेज कट ना हो। वेज कट आप बोल रहे हो, वेज कट होने से आप इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करोगे, आप और ज़्यादा काम बढ़ेगा, तो ठीक है वो सब तो होगा, लेकिन क्या उससे आपकी डिमांड बढ़ेगी? अगर वेज कट करोगे तो डिमांड तो नहीं बढ़ेगी। अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इकोनॉमी है वो कभी भी सर्कल से, जो विशेष सर्कल, उससे बाहर नहीं आ पाएगी। तो दैट इज़ द थिंग विच वॉज देयर इन दिस आर्टिकल, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। द रेशनल फॉर स्क्रैपिंग द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ पोजेस टू एडिशनल क्वेश्चंस। अब बेसिकली ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आपने जो रेशनल या रीजनिंग दी है कि लेबर लॉज को आप स्क्रैप कर रहे हो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट अप, तो ये दो क्वेश्चंस पूछता है। पहला क्वेश्चन तो ये कि इफ द लॉज वर इन फैक्ट सो स्ट्रांगली प्रो वर्कर दे वुड हैव रेज्ड द वेजेस। तो अगर ये पहले प्रो वर्कर रहे होंगे लॉज, तो इसका मतलब है कि उस समय वेजेस ज्यादा रही होंगी, बट ऐसा भी नहीं है कि वेजेस ज्यादा रही। ओके, तो वेजेस जब पहले ज़्यादा नहीं थी तो उनको ऑटोमेटिकली कट करने की क्या ज़रूरत है। दूसरी चीज़ जो ये है कि लोगों को क्या लग रहा है कि जो भी लॉस इंडस्ट्रीज़ को हो रहा है या बिजनेसेस को हो रहा है ये लेबर मार्केट के कारण हो रहा है ना। तो लेबर मार्केट के कारण नहीं हो रहा है, ये डिमांड कम है उस कारण से हो रहा है। तो ये भी डिसअपॉइंटिंग है कि आप इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस को लेबर मार्केट रेगुलेशन से जोड़ रहे हो, ना कि आप डिमांड, बल्कि आप ये सोचना चाहिए कि उनके अगर हाथ में इनकम ज़्यादा आएगी तो वो और ज़्यादा आपकी डिमांड को बूस्टअप करेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ ऑथर ने, अब रेशनलाइज द लेबर लॉज। अब ऑथर का ये कहना है कि हाँ ये बात सही कि इंडिया में 47 से ज्यादा सेंट्रल लॉज हैं लेबर के रिगार्डिंग और 200 से ज्यादा स्टेट के लॉज हैं, इनको रेशनलाइज करने की जरूरत जरूर है, लेकिन इनको स्क्रैप करने की ओवरऑल और दूसरे तरीके से इनकी जो सिक्योरिटी नेट है उसको और ज्यादा कम करने की जरूरत नहीं, इसको रेशनलाइज करने की जरूरत है ताकि लॉज कम रहे लेकिन प्रोटेक्शन पूरी रहे, ठीक है ना। नंबर ऑफ लॉज जरूर कम रहे लेकिन प्रोटेक्शन पूरी रहे। अगला जो आर्टिकल है, अ प्लान टू रिवाइव अ ब्रोकन इकॉनमी। अभी इस आर्टिकल में बेसिकली बात की गई है, जो ऑथर ने अभी, जो प्राइम मिनिस्टर ने हमारे बोला कि 20 लाख करोड़ का पैकेज होगा, हालांकि इसमें 6 लाख करोड़ ऑलरेडी जो इंक्लूडेड है जो कि मॉनेटरी डायरेक्टिव्स के रूप में दिया जा चुका है बैंक्स एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को, लेकिन 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज है जो कि दिया गया है। अब ऑथर ने सबसे पहले बात की फूड सिक्योरिटी की। फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है जो कि प्रोवाइड होनी चाहिए। इसके लिए जो अनाउंसमेंट किया गया था कि 5 kg का पहले राशन मिलता है तो उसको बढ़ा करके 10 kg किया गया है फॉर द 6th month पीरियड, अगले 6 महीने के लिए। इसमें जो कॉस्ट आएगी इफेक्टिवली वो 3% आएगी GDP की। ओके, 3% ऑफ GDP इसमें कॉस्ट आएगी अप्रॉक्सीमेटली। अब ऑथर का कहना है कि क्या ये पॉसिबल है देना, तो हाँ ये बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? पहली चीज़ तो ये कि फूड ग्रेन्स जो है वो प्लेंटीफुल कंडीशन में, हमारे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास प्लेंटी में फूड ग्रेन्स पड़ा हुआ है, रबी की हार्वेस्ट भी अच्छी आई है और इस कारण से जो बेसिकली फूड ग्रेन्स की कमी नहीं आएगी, तो अगले 6 महीने तक हम 10 kg बेसिकली दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने कहा है कि एम्प्लॉयमेंट हैज़ टू बी प्रोवाइडेड टू देम वेयर एवर दे आर। तो दूसरा जो ऑथर ने पॉइंट दिया है, वेट, इस पॉइंट से पहले हम और देख लेते हैं कि कुछ और रीजंस उन्होंने दिए कि क्यों फूड ग्रेन्स की कमी नहीं आएगी। ओके, तो पहला तो हमने बोले कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास प्लेंटी ऑफ फूड है। दूसरा, सेकंड, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस
द मल्टीप्लायर राउंड ऑफ सच एक्सपेंडिचर आर हैवली ट्रंकेटेड, जो पहले खर्चा होता था तो लॉकडाउन के कारण दूसरा खर्चा भी कम हो गया है, ठीक है ना, जो डिमांड है नॉर्मल टाइम से वो भी घट गई है, इस कारण से और ज़्यादा प्लेंटी में इनके पास रहेगा, तो ये दे सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि कैश ट्रांसफर्स इन मेनी स्फीयर्स विल ओनली इनेबल करेंट डिमांड टू कंटिन्यू, ओके, सच एज पेमेंट ऑफ हाउस रेंट एंड कंटिन्यू ऑक्यूपेंसी एंड नॉट क्रिएट एनी फ्रेश डिमांड। अब क्या है कि अगर आप कैश ट्रांसफर करते रहते हैं तो कैश ट्रांसफर से क्या होता है कि इट विल इनेबल द करेंट डिमांड टू कंटिन्यू, जो दूसरी डिमांड जैसे कि रेंट पेमेंट हो गई या ऑक्यूपेंसी कंटिन्यू करना है, लेकिन कोई नई डिमांड ऐसे क्रिएट नहीं हो पाएगी, इस कारण से फूड ग्रेन्स को आपको देना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। फोर्थ आपका रीजन ये है कि व्हेन ग्रेटर नॉर्मलिटी फाइनली अलाउज पेंट अप डिमांड टू सरफेस, आउटपुट कुड ऑल्सो एक्सपैंड बिकॉज ऑफ द रिज्यूम्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आप फूड ग्रेन्स प्रॉपरली प्रोवाइड कर रहे हैं और आप प्रॉपरली लोगों के हाथ में जैसे थोड़ा बहुत कैश आप देते जा रहे हैं, इससे क्या होगा कि डिमांड एक बनी रहेगी, इस कारण से जब इकोनॉमी खुलेगी तो आप बेसिकली और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। एंड फाइनली पुटिंग मनी इन द हैंड्स ऑफ पुअर इज द बेस्ट स्टिमुलस टू इकोनॉमिक रिवाइवल। तो जो एक और चीज़ ऑथर ने यहाँ पे बोली कि जो आपने ये बोला था कि इनको पैसे दिए जाएंगे, कुछ जो इनके हाथ में पैसे जाएंगे 2000 का 500 का अलग अलग तरीके से कैश बेनिफिट के रूप में दिया जाएगा, तो ऑथर ने कहा कि ये जो है ये बेस्ट स्टिमुलस होता है, इट इज़ द बेस्ट स्टिमुलस टू रिवाइव द इकोनॉमी, ये स्टिमुलस बेस्ट स्टिमुलस होता है क्योंकि इससे आप डिमांड को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए कैश ट्रांसफर जो है वो होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली चीज़ जो ने बोली इकोनॉमिक रिवाइव करने के लिए एम्प्लॉयमेंट की बात की है, तो एम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा जो इसमें इंडिया में एम्प्लॉयमेंट देने का सिस्टम है वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इस स्कीम में अभी क्या होता है कि 100 दिनों का एश्योर्ड वर्क मिलता है टू द रूरल एडल्ट जो कि अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार है, रूरल एडल्ट जो कि अनस्किल्ड काम करने के लिए तैयार है उनको बेसिकली 100 दिन का एश्योर्ड काम दिया जाता है। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला कि 100 दिन की जो लिमिट है उसको रिमूव कर देना चाहिए, 100 दिन की लिमिट अभी नहीं रहनी चाहिए और बिल्कुल डिमांड बेसिस पे आपको काम देना चाहिए, तो आप कैपिटल क्रिएशन कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। दूसरा उन्होंने कहा है कि द सेकेंड चेंज इज़ द पैल्पेबल अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ अर्लियर ग्लोबलाइजेशन। तो ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि पहले का जो ग्लोबलाइजेशन चलता था वो अब पॉसिबल नहीं रहेगा, अब हमको बेसिकली सस्टेन करना है अपने होम मार्केट को, तो वही चीज़ ऑथर ने यहाँ कही कि पहले ऐसा ग्लोबलाइजेशन अब पॉसिबल नहीं रहेगा, अब हमको कोशिश ये करनी है कि हम जो होम मार्केट है उसको ग्रो करें, उसको और ज़्यादा डेवलप करें। अगला अर्बन फोकस की बात की है, अर्बन फोकस में सबसे बड़ा जो फोकस है वो MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर देने की बात की गई है ऑथर द्वारा, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है ऐसा ऑथर ने कहा है। अगला जो पॉइंट ऑथर देता है वो केयर इकोनॉमी का है, तो केयर इकोनॉमी यानी कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाने की जरूरत है। ऑथर ने क्लियर कट बोला कि आपने ये चीज़ देख ली कि प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रॉफिट के बेसिस पे काम करता है और कोविड जैसी जो पैंडेमिक की सिचुएशन है या कुछ ऐसी कंडीशन जब आती है तो गवर्नमेंट मशीनरी काम आती है, आपकी जो पब्लिक रिसोर्सेज है वही काम आते हैं। तो वही चीज ऑथर ने कहा है कि केयर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन हर चीज में करने की जरूरत नहीं है, और केयर इकोनॉमी में आप खर्चा करो, वैकेंसीज निकालो, एम्प्लॉयमेंट लाओ हॉस्पिटल्स में, आंगनवाड़ी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटी यानी कि आशा वर्कर्स को और ज्यादा एम्प्लॉय करो, है ना, ये सारी चीजें इनको अगर आप ज्यादा बढ़ावा देते हो तो आप और अच्छे से पैंडेमिक सिचुएशन में या किसी भी ऐसी हेल्थ इमरजेंसी में उनसे लड़ने में आप ज्यादा सक्षम रहोगे। तो ये चीज ऑथर ने यहाँ पे केयर इकोनॉमी के बारे में बोला है, ठीक है ना। अब इन सबको फाइनेंस करने के लिए ऑथर ने कहा कि पहले तो आप RBI से मदद ले सकते हो, आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू आप मदद ले सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप वेल्थ टैक्स लगा सकते हो ऑन द टॉप 1% पॉपुलेशन, जो IRS ऑफिसर्स का आर्टिकल था उसमें जो मैंने बताया था कि जो 1 करोड़ से ज़्यादा के इनकम वाले लोग हैं या 5 करोड़ से ज़्यादा के इनकम वाले लोग हैं उनके ऊपर आप वेल्थ टैक्स लगाने की बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। इनहेरिटेंस टैक्स की बात भी कही ऑथर ने कि 33% इनहेरिटेंस टैक्स ऑन द वेल्थ दे बेक्वेथर एवरी ईयर टू देयर प्रोजिनी, इसके ऊपर भी आप टैक्स लगा सकते हो, और इससे अगर आप चाहो तो फाइनेंस कर सकते हो 10% ऑफ GDP, जो आपने GDP का 10% दिया है उसको फाइनेंस करने के लिए आप थोड़ा शॉर्ट टर्म में ये मेजर्स ले सकते हो। तो यही चीज ऑथर ने यहाँ पे बोली है, ओके। एंड ऑथर ने यहाँ पे बेसिकली कहा है कि आपको कुछ चीजें बेसिकली आपको 5 चीजें बेसिकली मेंटेन करके रखना चाहिए, जस्टिसिएबल होने चाहिए, फंडामेंटल इकोनॉमिक राइट्स, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर, राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन एंड राइट टू अ लिविंग ओल्ड एज पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। याद रखिएगा, राइट टू फूड, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू फ्री पब्लिक हेल्थ केयर, राइट टू फ्री पब्लिक एजुकेशन एंड लास्ट है राइट टू अ लिविंग ओल्ड एज पेंशन एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट। ये 5 राइट्स आपको हर समय हर कंडीशन में मेंटेन करके रखने चाहिए, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। तो दिस वॉज द आर्टिकल विच वॉज देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आर्टिकल एज वेल।
तो इस तरीके से आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग इन टुडेज़ न्यूज़पेपर. दैट इज इट फॉर द डे. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज लाइक शेयर. कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.